तो दोस्तों मेरे साथ है मनीष भाई शास्त्री और मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मनचाओ व्लॉग्स। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लाइफ के हिस्से और जिंदगी के किस्से। तो आज मैं मिला मनीष भाई शास्त्री जी से, जो कि बहुत ही जय श्री कृष्ण, तो जो कि बहुत ही बढ़िया सुंदर रंगोली बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में एक बार इन्होंने ये रंगोली बनाई है, और आप मानेंगे नहीं, इन्होंने सिर्फ एक घंटे में ये और उसके साथ और भी रंगोलीज बनाई हुई है। ये देखिए, ये इतनी बड़ी रंगोली आप वहाँ पे एक पर्सन खड़ा है उनके कंटेक्स्ट में देख सकते हैं कितनी बड़ी रंगोली है ये। तो हम मनीष भाई से जानते हैं कि मनीष भाई ये कब से आपने चालू किया है ये, मतलब रंगोली बनाना? हम 8 साल से बना रहे हैं। अच्छा, और ये कहीं पे सीखा नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। बराबर, देखने से ही हमें आ गई है। कहीं क्लास या कहीं पे एग्जाम या कुछ देने गए नहीं है। गॉड गिफ्ट है, जो भगवान ने सीखा है वही आर्ट करते हैं। क्या बात है। और कोई भी डिज़ाइन फिक्स नहीं होती है, कोई यही डिज़ाइन करनी है, जो भगवान प्रेरणा देते हैं हम वही बनाते हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी मतलब हमेशा रहता है। क्या बात है। तो आपने कहाँ कहाँ पे मतलब कॉम्पिटिशन्स वगैरह में कुछ पार्ट लिया हुआ है आपने? 16 भागवत विद्यापीठ। ओके, गुजरात अहमदाबाद के अंदर 16 भागवत विद्यापीठ है। हाँ, वहाँ से हर साल हमारी कॉम्पिटिशन होती है सोमनाथ यूनिवर्सिटी, जो सोमनाथ में है। अच्छा। वहीं पे कई ऋषि कुमार हमारे जाते हैं और वो स्पर्धा में भाग लेते हैं। बराबर। तो कितने लोगों की लगभग टीम होती होगी आपकी? टीम तो ऐसा है कि हम जब पंडित हैं हम लोग, हाँ, कोई भी यज्ञ में जाते हैं, तो छोटा यज्ञ हो या बड़ा यज्ञ हो, 11 से 15 पंडित लोग होते हैं। लेकिन उनमें से केवल कई लोग चुने हुए होते हैं जो रंगोली ऐसी आर्ट बना सकते हैं। अच्छा, मतलब बेसिकली आपका ब्राह्मण वाला बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी आप रंगोली बनाते हैं। ये तो गॉड गिफ्ट है, अपने मन के लिए करते हैं। क्या बात, किसी का दबाव नहीं होता इसमें। बिल्कुल। तो और भी आर्टिस्ट को अगर आप मिलते ही होंगे ना, मतलब आए दिन, तो क्या कहना रहता है उनका? मतलब आप तो सेलिब्रिटी होंगे उनके लिए। नहीं नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो छोटे होते फिर जो रई का दाना होता है उसका स्वाद हर चीज में होता है। वैसे कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है। हाँ। ये तो हमारे लिए तो ये कुछ नहीं है, हमने तो केवल प्रदर्शन किया है। लेकिन हमसे भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो ये आर्ट पूरा करते हैं। देखिए, वो तो चीज मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट अगर खुद को बड़ा आर्टिस्ट नहीं बोलता तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट खुद को बड़ा नहीं बताता है। तो आपके अंदर ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बताया। और कुछ आप बता सकते हैं कि आज यहाँ पे आप जो रंगोली बना रहे हैं, आइए रंगोली के पास थोड़ा सा चल के बात करते हैं। तो मतलब आपने ये बताया कि 1 घंटे से भी कम टाइम में बनाया है आपने ये रंगोली, तो आप यहाँ पे आ जाइए। हाँ, तो इसी रंगोली के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लगभग कितना कलर गया होगा इसके अंदर? इसके अंदर 80 किलो कलर गया है। 80 किलो कलर? 80 किलो ये पूरा यहाँ और ऊपर जो हमने गुरु गाड़ी है वहीं पे बनाया, वहाँ पे भी कलर है। बराबर। वहाँ पे रंगोली की हुई है, लेकिन अभी ऊपर जाने नहीं दे रहे, तो आप ले नहीं सकोगे। समझ गए, यहाँ है और ऊपर है, सब मिला के 80 किलो कलर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। तो फिर मतलब तकरीबन आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे? यहीं के आप रहने वाले? नहीं, हम अहमदाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ एक भैया है, उन्होंने कॉल करके उनको बोला कि यहाँ आके रंगोली करके जाइए। समझ गया। हम रंगोली यहाँ करने आए। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। और कुछ अगर आप बोलना चाहें आपके मन में हो तो आप बता सकते हैं। सब खैरियत में रहे, सब खुश रहे, सब मौज करे, आनंद। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर आपका टाइम देने के लिए। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी पर्सनैलिटी से हम मिलाते रहेंगे। क्या बोलना चाहते हैं सर आप? बस बस बस, बढ़िया, सब लोग मौज में रहे। और आप यहाँ कब से हैं सर आप? मैं यहाँ 15 साल से आता हूँ। अच्छा। पंच से जुड़ा हूँ, सत्यवल पंच से। बराबर। और सब कुछ ठीक ठाक। बराबर है। तो आज आप पूरे दिन से यहीं पे हैं? हम तो 3-4 दिन से इधर ही है। बराबर है। तो 3-4 दिन से यहीं पे रुके हुए? यस। ओके ओके। तो आपके फैमिली में क्या महत्व है, मतलब आपके बस पिताजी के टाइम से? पिताजी के टाइम से तो नहीं है, लेकिन हम आते हैं। ओके। और आशीर्वचन कायम बने रहते हैं। बराबर, परिवार पर। समझ गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मस्त रंगोली बनाई जा रही है, काफ़ी सुंदर रंगोली आप देख सकते हैं। और रंगोली का कार्यक्रम चालू है यहाँ पे। ये सर जी अभी बना रहे रंगोली। क्या बात है, अति सुंदर। तो सर कितने देर से आप रंगोली बना रहे हैं? 1 घंटे। 1 घंटे से आप रंगोली बना रहे हैं? तो ये वाली या ये वाली पूरी? ये वाली ऊपर वाली। जितनी रंगोली है सारी आपने 1 घंटे के अंदर बनाई है? क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल।
मिलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और जगह किसी और वीडियो में। आप इस रंगोली का मज़ा लीजिए, कितनी सुंदर रंगोली यहाँ पे बनाई है इन्होंने, चारों ओर डिटेलिंग देख सकते हैं आप, ये पूरा एक घंटे से भी कम समय में ये सब किया हुआ है, क्या बात है दोस्तों, मानना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।